दोस्तों, ये है एलपीटी से, ये क्रिप्टो साइट में से नंबर वन एंड वेबसाइट है। आप इसकी रेटिंग चेक कर सकते हैं। ट्रस्ट पायलट के नाम से एक वेबसाइट है, मैं उसका लिंक ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वो वेबसाइट को ना रेटिंग देती है, ठीक हो गया, और उसके बाद ठीक हो गया। और फासेट पे के अंदर फासेट लिस्ट की है, वहाँ से भी जाके आप इसकी रेटिंग कर सकते हैं। ये नंबर वन पे है, ठीक हो गया, एक्सेलेंट रेटिंग है इसकी उसमें ट्रस्ट पायलट में, ठीक हो गया। अभी इधर आपने साइनअप पे क्लिक कर देना, यहाँ पे आपने ईमेल देनी है अपनी। अब मैं अपनी ईमेल दे देता हूँ, लियो टी बी सी एच ए, ठीक हो गया। उसके बाद ये पासवर्ड आ गया जी, पासवर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ लेटर्स कैपिटल में फिर कुछ नंबर में, पी ए के आई एस टी ए एन 192। ब्राउजर मेरा मसला कर रहा है। मैं ज़्यादातर क्रोम यूज़ करता हूँ, पर मैं अभी क्रोम यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि क्रोम के अंदर मेरी ऑलरेडी आईडी पहले से साइनअप है, ठीक हो गया। देखें इधर दो कैप्चा आ रहे हैं, एक एच कैप्चा और एक री कैप्चा। आपने इधर री कैप्चा के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये इधर टिक कर देना आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक हो गया। और इधर आपने ये साइनअप के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये आपकी आईडी साइनअप करने के बाद ये आपने इधर कन्फर्म के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। ये आपने इधर कन्फर्म के बटन के जिसके ऊपर मैंने सर्कल किया हुआ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपकी जी मेल में एक मेल चली जाएगी। ये देखिए, आप अपने जी मेल को नहीं, वहाँ पर आपको मेल आएगी बिटकॉइन की, ठीक हो गया, बिटकॉइन एट बीटीसी, ठीक हो गया। आपने इसको खोलना, ये अंदर कंफर्मेशन कोड पड़ा हुआ, इस कोड को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। और ये यहाँ पे आके आपने इधर क्लिक कर देना है और ये कोड को इधर पेस्ट कर देना है, ठीक हो गया। इधर आके सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो ये देखेंगे थैंक यू फॉर अकाउंट कंफर्मेशन स्टार्ट अर्निंग, ठीक हो गया। अभी आपकी स्टार्ट अर्निंग हो चुकी है। अभी आपने ऐड वॉच नहीं करनी है, ये देखें। अभी मैं आपको पहले इसकी सब थोड़ी सी सेटिंग कर लें, उसके बाद आप ऐड वॉच करिएगा, ठीक हो गया। इधर आपने जाना है, ये देखेंगे लिखा हुआ थर्ड नंबर पे चेंज वॉलेट पे, जिसके ऊपर मैंने अंडरलाइन, ठीक हो गया, ये चेंज वॉलेट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। तो उसके बाद आपके पास ये नेक्स्ट मिनट, ये देखें, ये आपके वाले का इधर लिखा हुआ न्यू बीटीसी एड्रेस, न्यू बीटीसी एड्रेस। आपको याद होगा कि मैंने वो भी एक पिछली वीडियो भी बनाई थी क्रिप्टो वन वेबसाइट की, उसमें अपने फासेट पे से बीटीसी एड्रेस कॉपी किया था। इधर भी आपने वही सेम प्रोसीजर करना है, आपने अपना फासेट पे ओपन करना है, ठीक होगा। फासेट पे का अकाउंट ओपन किया, ये अपने डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है, ठीक होगा। उसके बाद ये आपका बीटीसी एड्रेस आ रहा है, जिस तरह आपने पहले वेबसाइट में किया था ना क्रिप्टो गेन में, उसमें तो आपने अकाउंट बनाते वक्त दिया था ना, इसमें आपने अकाउंट बनाने के बाद है ना ये कॉपी कर लिया इधर से, ठीक हो गया। और इसके बाद ये इधर आके आपने इधर पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। और यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है आपसे, जो आपने अपने अकाउंट बनाते वक्त जो पासवर्ड दिया था ना, वो आपने इधर पासवर्ड दे देना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इधर सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। तो आपका ये वॉलेट एड्रेस सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया, ओके। अब नेक्स्ट सेटिंग में चलते हैं। अब ये आपने सबसे ऊपर ये विड्रा नहीं है, सबसे पहले नंबर पे, ठीक हो गया, इस पर क्लिक कर देना है विड्रा पे, ठीक हो गया। यहाँ पे ये बीटीसी एड्रेस को देखा हमने, कह दिया चेंज, ठीक हो गया। फासेट पे एक्सप्रेस क्रिप्टो और पायर नॉट चेंज दे रहा है, ठीक हो गया। तो अभी ये फासेट पे आपने इधर फासेट पे भी क्लिक कर देना है, इधर चेंज पे क्लिक करना है, वही बीटीसी एड्रेस जो आपने फासेट पे से कॉपी किया था ना, उसी को आपने इधर पेस्ट कर देना है, ठीक हो गया। और ये इधर वही पासवर्ड दे देना है जो पासवर्ड आपने पहले दिया था, ठीक हो गया, वही पासवर्ड दे देना है। और उसके बाद आपने यही सेम प्रोसीजर सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। तो आपका ये सबमिट हो जाएगा, ये आपकी सेटिंग हो जाएगी, ठीक हो गया। अब उसके बाद, अब मैं नहीं कर रहा, क्यों, ये मेरा जस्ट एज ए डेमो अकाउंट है,
ये जस्ट मैं अगर आपको शो कर रहा हूँ, मैं भी डेमो अकाउंट है, मैंने अपना जो दूसरा मेन अकाउंट था मैं भी आपको दिखाता हूँ, मैंने उसमें सारी चेंजिंग की हुई है, सारी सेटिंग की हुई है, ठीक होगा, मैं भी आपको वो दिखाता हूँ, ठीक हो गया। तो उसके बाद आपने दोबारा वापस विड्रॉ पे क्लिक कर देना है। तो एक्सप्रेस क्रिप्टो को आप छोड़ दें, वो आपने यूज़ नहीं करनी है। अगर इधर फायर की एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, ठीक हो गया। तो फायर की मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको बना दूंगा एक, तो आपने फायर की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। फायर का ना एक अकाउंट नंबर होता है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, ठीक हो गया, कि वो कौन सा अकाउंट नंबर होता है। तो वो आपने इधर कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक हो गया। ये देखें, ये लिखा था, ये P1 नज़र आ रहा है, मैं आप क्लिक कर लूँ उसके ऊपर। ये देखिए, ये आपका इसका फायर का अकाउंट नंबर है, ठीक हो गया। तो आपने इसको कॉपी करना है, जहाँ कोई भी कहीं भी किसी भी जगह पे पूछे ना जी अपना फायर अकाउंट नंबर, तो आपने ये देना। अब इसको कॉपी किस तरह करना है वो मैं भी आपको बताता हूँ, आपने इसको कॉपी किस तरह करना है। ये देखें, ये निशान बना रहा था, ये सेटिंग का, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर रहा हूँ, ये तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, इसको छोड़ दें। अब ये क्लिक कर दें, इसमें शांति ये मैसेजेज है, ठीक हो गया। ये आपने